हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका अकाउंट बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है और आप उस अकाउंट में एटीएम इशू कराना चाहते हैं तो जो एटीएम आवेदन के लिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको कैसे भरना है। तो देखिए, जो स्क्रीन पर देख रहे हो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एटीएम फॉर्म है, इसको अब हम देखेंगे कैसे भरना है। देखिए, ये फॉर्म हिंदी में है, आप इसको चाहे तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करके देखते हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ हम इसको हिंदी में भी फिल करने की कोशिश करेंगे अगर स्पेस रहा तो। देखिए, ये है BRKGB रुपए कार्ड के लिए आवेदन प्रोट। यहाँ पे आपका खाता प्रकार लिख देना, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो सेविंग लिख देंगे, या हिंदी लिखना चाहते हैं तो बचत खाता लिख देंगे। शाखा अल्फा मतलब शाखा का कोड, ये पिन आपने पासबुक में देखिएगा, ये कोड लिखा होगा कुछ, यहाँ लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर यानी अकाउंट नंबर लिख देना है, जो आपको इस बैंक में हो पासबुक में दिया होगा वो देखकर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, एक एक करके एक घर में एक एक अक्षर पूरा नाम लिख देंगे जो भी है, ठीक है। वहीं अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो रमेश, फिर एक घर छोड़ देंगे कुमार, ठीक है। आप अपना यहाँ पे जन्म तिथि लिख देंगे, लिंग लिख देंगे, आप पुरुष हैं या स्त्री, हम यहाँ पुरुष मान के चलते हैं। फिर कार्ड पर अपेक्षित नेम, देखिए कार्ड पे आप जो नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है, अगर आप पूरा नाम कार्ड पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, रमेश कुमार। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे से पहला नाम प्रिंट हो रमेश, तो आप प्रिंट लें वो भी लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरी आखिरी नाम सरनेम जो कुमार है सिर्फ वो प्रिंट हो, तो आप जो भी चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, वही नाम कार्ड में प्रिंट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा पहला नाम रमेश है वही प्रिंट हो, तो मैंने यहाँ पे रमेश लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, वार्ड नंबर 04 मिशन रोड, शहर का नाम लिख देंगे यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, शिखर, पिन कोड लिख देंगे जो भी आपकी पिन कोड है वो लिख देंगे यहाँ पे, आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, लैंडलाइन नंबर तो होता नहीं है आजकल किसी के पास, और अगर ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी लिख देंगे, ठीक है, हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। आप इसको हिंदी में भी भर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, ठीक है, आप हिंदी हस्ताक्षर जैसे बैंक में करते हैं वैसे कर देना। ये अगर ज्वाइंट अकाउंट है, एक से ज़्यादा जब अकाउंट होल्डर है तो ये इसके लिए दिया हुआ है, इसको अगर आप सिंगल अकाउंट है तो इसको आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, शाखा कोड लिख देना, ये जो है ये बैंक के यूज के लिए, बैंक के अधिकारी यहाँ पे लिखेंगे, ये से आपको फॉर्म भरना है। देखिए काफ़ी इजी फॉर्म था ये, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।